नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक गौड़। आप देख रहे हैं अमर उजाला की पराक्रम सीरीज। 15 अगस्त पर हम आजादी की 72वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन आजादी के मायने क्या हैं? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, जिन्हें देश का पहला पहरेदार कहा जाता है, हम जो सुकून से सोते हैं वो उन्हीं की बदौलत है। दुश्मनों से सीधी टक्कर हो या उन पर रखनी हो निगाह, हर बात में सीमा पर तैनात हमारे BSF के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। ये देश के वो पहरेदार हैं जो भारत की सुरक्षा में सबसे पहले पायदान पर खड़े होते हैं। ये जागते हैं इसलिए हम सुकून से सोते हैं। ठंड हो या भीषण गर्मी, 24 घंटे ये पहरेदार अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, ताकि हमारे देश के लोगों पर कोई आंच ना आए। सीमा के इन पहले पहरेदारों के चलते ही सीमा पर कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देखता, और देश की सुरक्षा करती ये आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं। हम आपको BSF के पराक्रम से जुड़ी आज कई ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, और BSF के जवानों का शौर्य और पराक्रम देखकर आपके अंदर भी जुनून जाग जाएगा। BSF सरहद पर उस दीवार की तरह खड़ी होती है जिसे दुश्मन को भेद पाना नामुमकिन है। सेना तो युद्ध के समय मोर्चा संभालती है, लेकिन BSF को सरहद की निगहबानी 24 घंटे और 365 दिन करनी होती है। BSF के पास खुद का अलग ऊंट दस्ता और डॉग स्क्वाड होता है, जो BSF के जवानों को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनकी निर्धारित जगह तक पहुंचने में मदद करता है। ऊंट दस्ता BSF की शान मानी जाती है, जो जटिल रेगिस्तान में उनका साथ निभाती है। इनका ऊंट दस्ता और बैंड बहुत ही आकर्षक और अनोखा होता है। यही नहीं, BSF के पास सबसे एक्टिव डॉग स्क्वाड भी है। BSF 6385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। ये सीमाएं पहाड़ों, रेगिस्तान और कई नदी और घाटियों से होकर गुजरती है। सीमाओं पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी BSF की होती है। सीमा पर होने वाली घुसपैठ और तस्करी को भी BSF के जवान ही रोकते हैं। BSF ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। BSF ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के सबसे प्रभावशाली इलाकों को ध्वस्त किया था। इसके लिए सेना सुरक्षा बल के जवान भारतीय सेना के साथ युद्ध में शामिल हुए थे। 1 दिसंबर 1965 को KF रुस्तम जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ था। इस समय BSF में कुल 186 बटालियन हैं। BSF लगभग 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बन गया है। सेना का अदम्य साहस और उनकी वीर गाथाओं को तो कोई भुला नहीं सकता, लेकिन अर्धसैनिक बल जिसमें कि BSF भी आती है, वो देश की शान है। और जो जवान सबसे ज्यादा सीमा पर शहीद होते हैं वो BSF के ही होते हैं। पिछले 71 वर्षों से लगातार सीमा पर चौकसी लगाए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। BSF के जवान जीवन पर्यंत कर्तव्य के सिद्धांत का अनुसरण कर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, यानी कि युद्ध हो या शांति, दिन हो या रात, सीमा प्रहरी 24 घंटे हमारी सीमाओं की सुरक्षा में चौकस रहते हैं। ये बल 1882 जमीनी और 18 जलीय चौकियों द्वारा सीमा सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करता है। देश के नागरिक चैन से तभी सो पाते हैं
जब देश के सीमा सुरक्षा बल सरहदों पर दिन रात जागते रहते हैं। बीएसएफ एकमात्र ऐसा भारतीय अर्धसैनिक बल है जिसके पास खुद की पनडुब्बियां, एयर विंग्स और आर्टिलरी रेजिमेंट है जो जवानों को उनके ऑपरेशन में मदद करती है। बीएसएफ के लिए कच्छ के रण में निगरानी रखने के लिए स्पेशल वाहन भी मुहैया कराए जाते हैं जो गुजरात की 4000 किलोमीटर के बीहड़ में उनकी मदद करते हैं जिसमें सारे जरूरी सामान होते हैं। बीएसएफ के पास एक विशिष्ट बल क्रोकोडाइल कमांडोज भी होते हैं जो गुजरात में पाक सीमा पर मुश्किल हालातों में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए उन्हें सुपर सोल्जर्स भी कहा जाता है। सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से प्रशिक्षण किया जाता है कि शांति काल में ये सीमाओं पर पहरा दें और युद्ध काल में पेशेवर सैनिकों की तरह दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकें। सीमा सुरक्षा बल के गठन से पहले इन सीमाओं पर संबंधित राज्य की सशस्त्र पुलिस तैनात होती थी। शुरुआत में इस बल का गठन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किया गया था, लेकिन पंजाब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने और उत्तर पूर्व में हुए अशांत माहौल को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में इन्होंने अपनी अविस्मरणीय योग्यता सिद्ध की है। इनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और उच्च कार्यकुशलता के कारण वर्तमान में इस बल की पहचान देश के एक सशक्त बल के रूप में हो चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के अदम्य साहस का नजारा आपने बाघा अटारी बॉर्डर पर भी देखा होगा जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसे देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। सीमा सुरक्षा के साथ ही देश में जब जब आपदा आती है तो बीएसएफ की मदद ली जाती है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए भीषणकारी भूकंप से प्रभावित लोगों तक पहुंचने वाले सबसे पहले जवान बीएसएफ के ही थे। इसी तरह गुजरात दंगों के दौरान भी बीएसएफ के जवानों ने प्रभावित इलाकों में जाकर शांति और भाईचारा कायम किया था। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर बाड़ लगाने का काम अपने हाथों में लिया था और पाकिस्तान के नापाक इरादों के बावजूद भी वो इस काम में सफल हुए थे। इसके अलावा बीएसएफ ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। बीएसएफ ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के सबसे प्रभावशाली इलाकों को ध्वस्त किया था। इसके लिए बीएसएफ के जवान भारतीय सेना के साथ युद्ध में भी शामिल हुए थे और बीएसएफ के कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी और आज भी देश के लिए बीएसएफ के कई जवान अपनी शहादत दे रहे हैं। देश भर से कई माओं ने अपने लाडलों को बीएसएफ में भेजा है और देश के उन जाबांज बेटों ने देश की रक्षा की खातिर अपने सीने पर गोलियां खाई हैं और दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारा है और इसी शौर्य के लिए सीमा सुरक्षा बल को भारत की सभी वीरता सम्मानों से नवाजा जा चुका है, इसलिए हर कोई बीएसएफ के जवानों की जाबांजी को सलाम करता है। आप हमारी इस पराक्रम सीरीज को फॉलो करने के लिए फेसबुक टीवी के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।